हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ में ये अपडेट एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो जैसे कि सबसे पहले आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर स्टार्ट मेनू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, और ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको क्लोज कीजिए, फिर आप यहां पर इस सेटिंग को भी क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, सर्विसेज शो हो रहा है, तो आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज़ अपडेट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विंडोज़ अपडेट शो हो रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर स्टार्टअप टाइप में जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देना है। अगर आपके पास यहाँ पर चेंज है तो आप इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कीजिए, फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके कीजिए। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कमेंड प्रॉम्प्ट, फिर आपको राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये प्रोसेस 100% कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। ओके, तो अब मैं यहां पर कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दिया हूं। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, फिर आप जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाकर विंडोज़ अपडेट चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास शो हो रहा है तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।